इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का, जो कि थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, ठीक है, यानी हायर क्लास में पूछा जाता है, जनरली 10th और 12th में आता है कन्वर्जन, तो उसमें ये पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स, ठीक है। इंटीजर का सेम कन्वर्जन होगा जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता रखा है। जैसे मान लीजिए सेम यहाँ पे कोई नंबर है, पॉइंट में है 0.125, ये आपका क्या है, डेसिमल है, इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस नंबर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अभी जब आपको किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होता था बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्सा में, तो हम उसके बेस वैल्यू से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और यदि मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उल्टा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को, और जो इंटीजर पार्ट आएगा, ठीक है, इसको जो इंटीजर पार्ट आएगा यानी जो पॉइंट के लेफ्ट में आएगा उसको हूबहू वैसे लिखते चले जाएंगे। और कब तक लिखेंगे, जब तक आप चाहते हो, जितनी डिजिट्स आप फ्रैक्शन के बाद चाहते हो उतनी डिजिट तक ले जाओ, या फिर राइट साइड में टोटली क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.125 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 1 2, ये आपका जीरो आया। तो ये जो नंबर आया ये इसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टू जीरो, टू फाइव जा टेन, जीरो टू टू जा फोर एंड फाइव, ये आपका अगेन यहाँ पे जीरो आया। तो इस फ्रैक्शनल सॉरी इंटीजर पार्ट को फिर से हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और ये पहला होगा, ये स्टेप वन का हो गया, ये स्टेप टू का हो गया, अगेन इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो 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 वन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, फिर से नोट डाउन कर लेंगे स्टेप थ्री में, मगर यहाँ पे देखो अभी ये पूरा राइट साइड में क्या हो गया, टोटली जीरो हो गया, तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी हमारा स्टेप वन का जो जीरो था वो यहाँ पे आएगा, इसका जीरो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला वन यहाँ पे आएगा, और इसके पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.125 को आप जब कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.001, ओके। ये था आपका कन्वर्जन। अब इसी तरह से हम एक और कन्वर्जन करके देखते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है, प्रोसेस सेम होगी, 0.125 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्टल में, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 0.8 से सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40, कैरी 2 सॉरी कैरी 4, 8 2 जा 12 सॉरी 8 2 जा 16, 20 हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेप वन में निकल के आएगा बाहर, फिर ओके यहाँ पे ऑलरेडी पूरा जीरो हो गया, ओके यहाँ पे ऑलरेडी ये जीरो हो चुका है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें क्या कहते हैं ऑक्टल में, तो आपका कन्वर्जन क्या आ जाएगा, 0.1, ये आपका ऑक्टल में होगा कन्वर्जन, ओके तो आप देख रहे हो ये इस तरह से कन्वर्जन होता है। इसको यदि हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको बढ़ाते हुए चले जाओगे, जितना आएगा जिस तरह से उस तरह से उसको लिखोगे आप, ठीक है। और फिर सेम अब इसका रिवर्स करते हैं, उल्टा यानी किसी अदर नंबर सिस्टम में लिखा होगा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है 0.001, ये आपका बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें,
डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब कोई नंबर लिखा रहता था बाइनरी में तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और बेस वैल्यू की पावर को इंक्रीज कर देते थे, राइट टू लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते थे, जब वो पूरा इंटीजर होता था। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, मगर अब हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट की साइड से करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो पावर होगी उसको क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, तो ये सबसे पहले डिजिट आपकी यहाँ पे ये जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जीरो इंटू टू की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन से स्टार्ट करेंगे। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे, जीरो इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन इंटू टू की पावर माइनस थ्री हो जाएगी, वन टू थ्री। ओके तो इसको आप जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एट, वन अपॉन एट। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वन को आप डिवाइड करोगे एट से तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ेगा, जीरो वन टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो पॉइंट वन टू फाइव। जब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो पॉइंट वन टू फाइव आ जाएगा, जो कि आपका क्या है यहाँ पे डेसिमल, यही नंबर था आपका, आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट वन टू फाइव। सेम इसी तरह से आप जब इसको क्या करोगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ऑक्टल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेस सेम होगी, यही प्रोसेस सेम आपको फॉलो करना है। ऑक्टल में ये नंबर था 0.1, ये ऑक्टल में था, इसको आपको कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1, 8 की पावर माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 8 हो जाएगा, 1 अपॉन 8 आपने अभी यहाँ पे किया, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.125, जबकि आपका क्या था, डेसिमल में नंबर था। इसी तरह से आपको हेक्सा में करना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ओके